हेलो, वेलकम एवरीवन। माय नेम इज शानवाज और आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विमोली रेडिएटर क्लीनर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिक्विमोली क्या है, कहाँ की ब्रांड है। लिक्विमोली इज बेसिकली अ ब्रांड फ्रॉम जर्मनी और ये लुब्रिकेंट्स बनाते हैं। इंजन ऑयल हो गया, ऑयल ट्रीटमेंट है, रेडिएटर क्लीनर है, एट्सेट्रा। ये रेडिएटर क्लीनर है मेरे पास में और इसका आज मैं यूज़ करूँगा और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है या इसका क्या यूज़ है, क्या इसका गाड़ी में क्या परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा या क्या सब सारी चीज़ें। बेसिकली रेडिएटर क्लीनर, जैसे आपको नाम से ही बता रहा है कि ये रेडिएटर को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेडिएटर क्लीनर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, चलिए। सबसे पहले क्या है कि आपने देखा होगा गाड़ी में जो कूलिंग सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है कि आप कूलेंट का यूज़ करते हैं और वो इंजन को कूल करने के लिए यूज़ किया जाता है, सबसे सिंपल। अभी क्या है कि हर पीरियोडिक सर्विस पे आपकी गाड़ी में कूलेंट को टॉपअप किया जाता है। कूलेंट टॉपअप तो हो जाता है बट क्या होता है कि उसके वॉल्स पे जो डिपॉजिट्स हैं या जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्लीन नहीं हो पाते हैं। उनको क्लीन करने के लिए आप इस रेडिएटर क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है और ये, जैसे मैं अभी अपनी गाड़ी की 1 लाख किलोमीटर वाली सर्विस कराऊंगा तो काफ़ी टाइम हो चुका है, कभी उसका रेडिएटर को फ्लश नहीं किया गया, इसलिए मैं इसको इस बार फ्लश आउट करके पूरा न्यू कूलेंट का यूज़ करने वाला हूँ। इससे क्या होगा कि जब इम्प्योरिटीज़ या जब आपके डिपॉजिट्स क्लीन हो जाएंगे रेडिएटर की वॉल से या जो पूरा होज है आपका, उसके बाद में क्या होगा कि गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है या गाड़ी का आप कह सकते हो कि जो कूलिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब एक बार कूलिंग इंक्रीज़ होगी तो जाहिर सी ये बात है कि इंजन परफॉर्म अच्छा करेगा। इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, जिस तरीके से हम लोग कूलेंट डालते हैं गाड़ी में उसी तरीके से आपको ये रेडिएटर क्लीनर, ये 200 ml है, इसको आपको पूरा उसमें डाल देना है। उसके बाद में इंजन को आपको आइडल पोजीशन में 10 मिनट्स के लिए आपको इसको स्टार्ट रखना पड़ेगा। आफ्टर 10 मिनट्स आप इसको पूरा प्रॉपर फ्लश आउट कर दीजिए। जब आप फ्लश आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कूलेंट, जैसे बेसिकली आपका ग्रीन कलर का कूलेंट है या पिंक कलर का कूलेंट है जो भी आप यूज़ करते हो, और वो क्या होगा जब पूरा फ्लश आउट हो जाएगा फिर उसके बाद में आप उसमें क्या कर सकते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर आता है फिर आप डिस्टिल्ड वाटर एक बार उसमें डाल दीजिए और फिर उसको आइडल पोजीशन में 10 मिनट्स स्टार्ट करिए और फिर उसको प्रॉपर पूरा फ्लश आउट कर दीजिए। तो ये क्या होगा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप एक बार फिर से डिस्टिल्ड वाटर उसमें पूरा साइक्लिक उसका प्रोसेस कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पूरा अंदर का जो कूलिंग सिस्टम है वो प्रॉपर क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने के बाद में आप अपना जो जो भी कुछ आपका नया कूलेंट आप लेकर के आए हो वो कूलेंट आप उसमें डाल सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है कि ये इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपका जो कूलिंग सिस्टम है वो प्रॉपर क्लीन हो जाए और आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। ये मिलता कैसे, कहाँ से आप इसको बाई कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है। इसको आप ऑनलाइन जितनी भी आपकी शॉपिंग साइट्स हैं वहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। इसका जो कॉस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है वो 428 rupees है जो इसका MRP है और ये मुझे 349 का पड़ा था, तो अच्छा खासा मुझे डिस्काउंट मिल गया था। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और क्योंकि ये जर्मन ब्रांड है तो इंडिया में इसको एनसिस्को आनंद करके एक कंपनी है वो यहाँ पर पूरा इसको मैनेज करती है। क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है तो इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ और यूज़ करके गाड़ी की परफॉर्मेंस आप भी देखिए, आप यूज़ करिए और इसको देखिए, कमेंट करिए कि आपकी गाड़ी में क्या परफॉर्मेंस अच्छी हुई या क्या चेंजेस आए गाड़ी में आपकी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। माई फेसबुक लिंक, माई इंस्टाग्राम लिंक एंड माई ट्विटर हैंडल्स आर ऑल्सो मैंशन इन द वीडियो। Thank you very much guys for watching this video. Hope you like it and enjoy and please drive safely. Thank you.